जाकर के बात करते हैं, तब तक ओ माय गॉड। हिमालयन ट्रेन गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, आखिर कुछ फल जैसा दिख रहा है, क्या है ये? इट इज जनरली अ वेजिटेबल। तो अभी हम लोग इस वक्त है दार्जिलिंग के सबसे बड़े मोनास्ट्री में से एक। तो ये जो आप मोनास्ट्री देख रहे हैं, ये सन 1926 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। हाय गाइस, होप सो कि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, और मैं जा रहा हूँ इन रास्तों से होते हुए ताली मोनेस्ट्री। और एक मोनेस्ट्री है जो जाऊँगा मैं, घूम मोनेस्ट्री भी कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। तो इन छोटे छोटे रास्तों से होते हुए मैं गुजर रहा हूँ, एक इस तरह का शॉर्टकट है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या मिलेगा आपको पता है दार्जिलिंग के घरों में, कि छोटे छोटे घरों के बीच से आपको रास्ता मिल जाएगा, छोटे छोटे घरों के किनारों से। जैसे कि ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये मेन रोड की ओर निकाल रही है। तो मैं मोनेस्ट्री जाने के लिए गाड़ी भी पकड़ सकता हूँ, अगर आप बस स्टैंड में हैं तो बस स्टैंड से आप गाड़ी पकड़ सकते हैं। आपको किराया बमुश्किल 10 या 20 रुपये लगेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ की मोनेस्ट्री और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। मोनेस्ट्री होती क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ बौद्ध भिक्षु जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पगोड़ा, तो वो वैश्विक शांति के लिए बनाया गया था, बट मोनेस्ट्री जो है वहाँ पे बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और रास्तों में आप देख सकते हैं ये पाइन के पेड़, पाइन ट्रीज। तो अभी हम इस रास्ते से होते हुए निकल रहे हैं, आप शेयर टैक्सी भी ले सकते हो और आप रिजर्व भी करवा सकते हो इसके लिए, वहाँ जाने के लिए। मेन टाउन से तकरीबन आपको 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में वो मिल जाएगी आपको, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होगा। बट फिर भी ये कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपको घूमने से आपके मन को शांति मिलती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल जो मैं आपको लेकर के गया था, ये आपको इसके लिए कोई पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। ये इधर डाली जाएगा ये रास्ता? नहीं, नहीं, नीचे का रास्ता है गाड़ी का। अच्छा, ये वाला जो गाड़ी जा रहा है, कहाँ गाड़ी दिखी? अच्छा हाँ, उधर से आपको गाड़ी मिलेगा, उधर से गाड़ी मिलेगा उधर के लिए, उधर जाने के लिए। ठीक है, मतलब आपको देखिए बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा आपको। यू वांट टू से कि इधर से ही मुझे, यही है मेन रास्ता ना, यही है मेन रोड? मेन रोड नीचे का मेन रोड है, मेन रोड है ना, थोड़ा आगे आप जाइए सीढ़ी मिलेगा, सीढ़ी के नीचे से आप जाइए आपको वो मेन रोड पकड़ना होगा आपको। अच्छा, वो मेन रोड पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू। ओके जी। तो अभी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ी सी रास्ते खो गया था। यहाँ के रास्ते इतने अच्छे हैं कि आपका मन मानेगा ही नहीं, बोलेगा कि देखते जाओ, कवर करते जाओ चीज़ों को। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, खैर कोई बात नहीं। एक सज्जन पुरुष मुझे उधर मिले हुए थे, मैंने तो पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। इवन वो बता सकते थे भाई आगे से लेफ्ट करके जाइए, बट ही वॉज डिक्लेयरिंग एवरी सिंगल थिंग। ये लोग यहाँ पे टूरिस्ट को भगवान की तरफ पूछते हैं, किसी भी कोने में चले जाओ लोग आपको ठगेंगे नहीं। इवन मैं कहूँगा दार्जिलिंग तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग गया, कहीं मैं इधर ही घर ना बसा लूँ। तो अब हम चलते हैं मेन रोड की तरफ से जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं लेंगे इस जगह से, क्योंकि वो लॉन्ग कट पड़ सकता है। तो बने रहिए आप। तो अभी इस रास्ते से जाएंगे नीचे, और मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि रोड में भी आपको छोटे छोटे रास्ते मिल जाते हैं जिससे आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में। यहाँ पे पहाड़ों में घर बसा हुआ है, लोगों के घर आप देख सकते हैं पहाड़ों में। और द बेस्ट पार्ट की लोग एक दूसरे को यहाँ पे बहुत इज्जत करते हैं, होना भी चाहिए, जैसे दोस्तों ज़िंदगी का सार ही यही है, जितना आप शांति बनाए रखोगे अपने लाइफ में, जितना आप ईमानदार रहोगे, जो आप सोसाइटी को दोगे वो आपको मिलेगा। मेन रोड जाने का कौन सा रास्ता है? इधर इधर, ये वाला ना। तो मुझे भी नहीं पता, इस वक्त मैं अपना गूगल भी सर्च नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी जो प्रॉब्लम है कि मैं
अपने फ़ोन से सारे वीडियो शूट करता हूँ। तो इन रास्तों से होते हुए ये देखिए पहाड़ों से पहाड़ों के नज़ारे देख पा रहे हैं आप। धुंध नहीं होता इस वक्त, बादल और कुहासे और नहीं होते, तो आपको क्लियरली बहुत खूबसूरत लगता है ये जगह देखने में। बहुत अच्छे नेक लोग हैं इधर, मतलब रहने के लिए बेस्ट प्लेस है, बट एम्प्लॉयमेंट का साधन सिर्फ आपको बिजनेस के थ्रू करना पड़ेगा। मेन अगर आप किसी होटल मैनेजमेंट करके आए हैं काम कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाय ब्रो। तो इस वक्त चलते चलते रास्ते में एक मॉन्क भी हमें मिल गए, मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ, मोनेस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इनसे। तो जनरली मोनेस्ट्री में लोग जाते क्यों हैं? दर्शन के लिए। अच्छा, दर्शन के लिए, दर्शन के लिए। तो आपका रोल क्या होता है उधर, मतलब आप क्या करते हो उधर जा करके? रोल तो ऐसा है, स्कूल जैसा ही है। स्कूल जैसा ही है। आप उधर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हो, राइट? शिक्षा ग्रहण, हाँ, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, सो मेनी थिंग। हाँ, बहुत होता है। अच्छा, तो आपका नाम जान सकता हूँ? संगीत दुर्जो। ओके, तो आप लोग हो कहाँ से? ऐसे इंडिया से ही या फिर नेपाल से? सिक्किम। अच्छा, इंडिया के सिक्किम से हो आप। सो सांगी दर्जे से कन्वर्सेशन करने के बाद, जो बेसिकली एक मॉन्क है, स्टूडेंट हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त जब मैं दार्जिलिंग के लिए निकल रहा हूँ तो इस तरह का मोमेंट रहेगा, इस तरह का मौसम रहेगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस तरह का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, आपको किस तरह के मौसम पसंद है या फिर कैसा लग रहा है आपको इधर मेरे वीडियोस के माध्यम से दर्शन करने में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दार्जिलिंग सीरीज़ देखिएगा ज़रूर। गाइज़, ये दोपहर का वक्त है, बट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दोपहर का वक्त है, ये मॉर्निंग का जैसा लग रहा है। लोग निकल रहे हैं अपने घरों से वॉकिंग करने के लिए, अपने पेट को लेकर के। टू बी ऑनेस्ट, इन रास्तों में, इस रास्ते से लोग जा रहे हैं जिस रास्ते से मैं हूँ, और उस रास्ते से गाड़ी आ रही है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। और आप रास्तों में यहाँ पे बीच बीच में गेटी भी देख सकते हो, स्टोन्स डाले गए हैं ताकि स्पीड को ब्रेक किया जा सके, एक तरह से स्पीड ब्रेकर है। यह है दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीज़न। तो इन सारे रास्तों से होते हुए मैं चूँकि तो अभी मेन रोड पे, जो मेन टाउन है वहाँ पे रुका हूँ, बट इस रास्तों से होते हुए अभी मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग मोनास्ट्री। आप जब आते हो तो एक साइट सीइंग के लिए गाड़ी बुक होती है इधर, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दो नंबर डाल दूंगा, फ़ोन नंबर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बड़े रिजनेबल प्राइस में सारे साइट्स जो भी हैं वो आपको दर्शन करवा देंगे। और ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, हिमालयन ट्रैक के लिए इससे इसको तैयार किया गया है, हिमालयन रेलवे ट्रैक जो है वो यही है। अगर पॉसिबल हो पाया तो हिमालयन रेलवे स्टेशन जो है मैं वहाँ पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, पर जिस तरह के मौसम है उस तरह के मौसम में ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये लोग कुछ कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या है आखिर, कुछ फल जैसा दिख रहा है, क्या है ये? इट इज़ जनरली अ वेजिटेबल, राइट? तो आप देख सकते हो अमरूद की तरह दिख रहा है, और ये मैडम इधर उसको नीचे उतार रही हैं, जैसा ये लत में शायद खिलता है। तो अभी हम चलते हैं इस चीज़ को देखने के बाद आगे, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिल रही इधर। ओके मैम, थैंक यू। सो आपने देखा, कुछ स्क्वीज टाइप से चीज़ थी, जैसे मतलब देखने में तो वो अमरूद की तरह लग रहा था, तो लोग उससे वेजिटेबल बनाते हैं। देखते देखते अचानक मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा मुझे कवर करके आप सबको बताना चाहिए। सो अब हम दार्जिलिंग मोनास्ट्री के बहुत ही करीब हैं। अगर मोनास्ट्री इस वक्त खुली है तो मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगा, प्लीज़ कीप कम। पहाड़ों पे बसे ये घर, अजीब टाइप की एक्सपीरियंस हो रही है मेरे साथ ये।
बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सबसे अच्छा तो बात मुझे वो लगा कि अंकल जी ने बोले कि इधर कोई चीटिंग नहीं है, इधर लोगों को ठगते नहीं है। सो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, आप जो करते हो रिटर्न में भी आपको वही मिलता है। इसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए तो मैं घर से बाहर निकला हूँ, ताकि ये सारे एक्सपीरियंस मुझे मेरे लाइफ में मिल सके एंड पॉजिटिविटी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में हरा भरा रहूँ। हिमालयन ट्रेन गाइज, देख पा रहे होंगे तो अभी अभी आपने जो देखा और वो जो आवाज़ आ रही है सायरन की, वो थी हिमालयन ट्रेन की, जो मेन टाउन से आपको टिकटें मिल जाएंगी और वहाँ से आपको लगभग बतासिया तक सच जर्नी होती है। आई थिंक बींग सिंगल बट बींग एन एक्सप्लोरर ऑफ द वर्ल्ड इट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आपको भी घूमना चाहिए, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है गाइज। सो फाइनली दिस इज़ द मोनास्ट्री, वन ऑफ बिगेस्ट मोनास्ट्री इन दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग इस वक्त है दार्जिलिंग के सबसे बड़े मोनास्ट्री में से एक, द्रुक संगनंग चोलिंग मोनास्ट्री, जिसको मैंने अभी तक दाली मोनास्ट्री के नाम से ही जाना है। इवन आपको गूगल भी दाली मोनास्ट्री ही बताता है। तो अब अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की आखिर क्या क्या इससे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी हम चलते हैं, एक और मॉन्क स्टूडेंट है उनके साथ। आपका नाम क्या है? नाम जो तेंजिन है। तेंजिन है, अच्छा। तो अभी मैंने अभी इधर देखा बोर्ड पीछे लिखा हुआ था कि अभी विजिटर्स के लिए बंद है, फिर भी अभी अभी भी कुछ कुछ लोगों को मिल रहा है कि अब वो प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को तो इतना परमिशन आने की है। हाँ हाँ, तो आप जब पूजा होते हैं ना हम लोग बराबर, उस टाइम जो आदमी लोग आता है तो गरीब आदमी लोग, अच्छा, जो टूरिस्ट का जो अभी इधर एंट्री नहीं तो जो टेम्पल ना, हाँ मेन टेम्पल जो बंद है। अच्छा, तो मेन टेम्पल बंद है। हम तेंजिंग भाई के साथ थोड़ा आगे तक जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जितना हो पाए उतना दिखाऊं मैं। सो जनरली जब यहाँ पे पूजा चलता है, जैसे कि तेंजिंग भाई ने बताया है कि जब पूजा चलता है तो इधर लोकल जो भी है इधर के वो शरीक हो सकते हैं, पूजा में शामिल हो सकते हैं, और जो विजिटर्स हैं उनके लिए अलाउ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हमें हम भाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला है इनके तो, साथ ही। अब तो ये खुल देगा टूरिस्ट के लिए। अच्छा, अब टूरिस्ट के लिए खुलेगा। सो अभी टूरिस्ट के लिए खुल जाएगा तो ये एक अच्छा न्यूज़ मैंने सुना। खैर बहुत खूबसूरत लग रहा है इधर टेम्पल के, ये टेम्पल साइड से। This is the prayer room. So, इस जगह से नीचे के नज़ारे हैं ये। इस वक्त धुंध और बादल कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख। एंड आई एम सॉरी गाइज, मैं इससे ज़्यादा आगे ऊपर आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि अभी कोरोना को लेकर के कुछ प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं। यहाँ पे बाहर के विजिटर्स अभी नहीं आ सकते, जैसे कि तेंजिंग से बात करने के बाद पता चला कि इधर अभी कोई अलाउमेंट नहीं है। यू आर अंडर द ओ माय गॉड। हाँ अच्छा ठीक है, हम नहीं कर रहे, आई एम सॉरी। और कह रहे थे कि इधर और मोनेस्ट्रीज है ना, घूम मोनेस्ट्री, क्या घूम मोनेस्ट्री खुला होगा? घूम मोनेस्ट्री अभी तो बंद होगा। अच्छा अभी बंद होगा इस टाइम, अभी तो पूरा बंद है, अभी पूरा कोविड की वजह से पूरा बंद है। हाँ जी, लोग घुसने नहीं देते हैं। ओके, अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है गाइस, तो अभी बस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जिस टाउन पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, तो होप्स हो कि वहाँ पे कवर करने के लिए मिल जाए। घूम मोनेस्ट्री की प्लानिंग तो थी बट शायद अभी भी वहाँ भी बंद होगा जब सारे मोनेस्ट्रीज बंद हैं। तो गाइस प्लीज़ बने रहिए और मैं आपको वहाँ का मोनेस्ट्री दिखाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइस दाली मोनेस्ट्री से लौट जाने के बाद मैं इन्हीं रास्तों से होते हुए दार्जिलिंग के मेन टाउन में स्थित तैसी मोनास्ट्री को कवर करने के लिए जा रहा हूँ।
तो इसके बारे में आगे आपको डिटेल पता चल जाएगा। तो ये है तहसीलदार गली। तो गाइस डाली मोनेस्ट्री के बाद ये रहा तहसील दार्जिलिंग मोनेस्ट्री, जो लगभग मेन टाउन से आपको 5 से 10 मिनट की दूरी पे मिलती है। जैसे कि मंदिर होती है, जैसे गुरुद्वारे होते हैं, जैसे चर्च होते हैं, बाकी सभी धार्मिक स्थलों की तरह ही मोनेस्ट्री भी होते हैं। और तो लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उनका मन शांत हो सके, उनका मन शांत रहे और एक अच्छा मोटिवेट होकर के जाएं यहाँ से। तो काफ़ी सुखद, काफ़ी शांति की अनुभूति मुझे भी हो रही है यहाँ पे आकर के। जब भी आप आते हो दार्जिलिंग तो इन चीज़ों को मिस ना करें, क्योंकि आपको एक रुपया भी नहीं लगता। बट आपको कहीं एक अंदर से पीस महसूस होगी, तो दिस इज बेस्ट वन। तो ये जो आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं, ये सन 1926 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। काफ़ी खूबसूरत सा ये मोनेस्ट्री है। तो गाइस डाली मोनेस्ट्री के बाद यही एक मोनेस्ट्री है जिसको हम कवर कर पाए, क्योंकि घूम मोनेस्ट्री जा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज कोरोना की वजह से सभी जगह पे अभी प्रवेश वर्जित है। तो हम डाली मोनेस्ट्री के बाद यहाँ पे आए थे तहसील दार्जिलिंग मोनेस्ट्री में, और यहाँ पे आप प्रवेश अभी भी कर सकते हैं। प्रार्थनाएँ चलती हैं सुबह, भोग लगता है, तो प्लीज़ आप आइए यहाँ पे। और आपसे ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ गाइज अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, अगर ये फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से निकलेंगे और मिलेंगे आपको एक नए यात्रा में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और इसी तरह से सपोर्ट और प्यार करते रहिए मुझे। एंड कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगैन।